नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू डिफेंस। दोस्तों, आज हम एक ऐसे हथियार के बारे में बात करेंगे जो बदलती भारत की सोच को बताएगा। सो मैं इस हथियार के बारे में आगे सब कुछ बताऊंगा, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर, इस वॉर ने हमको बहुत कुछ सिखाया है और सिखाता जा रहा है, और इस एक्सपीरियंस को हमारे DRDO और आर्म फोर्स दोनों हाथ से लपेट रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने रामपेज मिसाइल के बारे में बताया था कि कैसे युद्ध जीतने के लिए इसका यूज किया जा सकता है, और इसका टेस्ट DRDO आगे कर रहा है। सो युद्ध जीतने के लिए बड़ा बड़ा युद्ध पोत ही जरूरी नहीं है, बड़ा बड़ा युद्ध विमान ही जरूरी नहीं है, छोटे छोटे हथियार भी बहुत निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इस युद्ध में अमेरिका का दिया हुआ स्ट्रिंगर मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया को परेशान करके रखा है। ये एक छोटा सा मैनपैड सिस्टम है जो दोनों आदमी से चलाया जा सकता है। एक ऑब्जर्वर रहता है जो दूर से ऑब्जर्व करता है कि कोई भी एरियल टारगेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और दूसरा जो आदमी रहता है वो मिसाइल को फायर कर सकता है। बस ये बहुत सिंपल मैकेनिज्म में काम करता है। इसमें एक इंफ्रारेड सेंसर लगा रहता है जो दुश्मन की एयरक्राफ्ट का जो हीट सिग्नेचर रहता है उसको फॉलो करता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है। उसका रेंज मैक्सिमम 5 से 6 किलोमीटर ही रहता है। ये हेलीकॉप्टर और जो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है इसके ऊपर बहुत इफेक्टिव रहता है। तो सोचिए, इस वॉर में ये मैनपैड रशिया की 40 से 50 विमानों को गिरा चुका है, तो रशिया को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। और यही सेम मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो हमारे 1999 में कारगिल वॉर हुआ था, पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ ही यूज किया था, और हमारे बहुत सारा एयरक्राफ्ट इसमें डिस्ट्रॉय हुए थे, इंडिया का बहुत लॉस हुआ था। ये सोचने वाली बात है कि ये जो छोटा सा डिफेंस सिस्टम है ये कितना कारगर है। जो आगे हमारा चाइना के साथ अगर लड़ाई होगा हिमालयन रीजन में, तो सोचिए ये कितना इफेक्टिवली काम करेगा। पर हमारा DRDO दो कदम आगे सोच के काम कर रहा है। जो नॉर्मल मैनपैड रहता है वो सिर्फ दोनों आदमी से डिसाइड करते हैं किसको टारगेट करना है किसको नहीं करना है, जो आंखों के सामने दिखेगा बस उनको ही वो टारगेट कर सकते हैं। पर DRDO जो मैनपैड बना रहा है उसको वो नेटवर्क सेंट्रिक बना रहे हैं। मतलब हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो S-400 है या फिर आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो उनको राडार में जो भी डेटा मिलेगा, जो भी सिस्टम में डेटा फीड मिलेगा कि दुश्मन की जो एयरक्राफ्ट है कौन सी दिशा में जा रहा है, उनका मूवमेंट क्या है, ये सारा चीज का जो इन्फॉर्मेशन है वो जो मैनपैड का टीम है आगे फॉरवर्ड लोकेशन में उनको मिल सकता है। तो वो एक नेटवर्क में काम कर सकते हैं। जो बड़ा बड़ा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो आप फॉरवर्ड डिफेंस फॉरवर्ड जो लोकेशन है वहाँ पर डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर बॉर्डर के पास आप उनको डिप्लॉय करेंगे तो एनिमी का इजी टारगेट बन सकता है। पर अगर मैनपैड जो दोनों आदमी कैरी करके जा सकते हैं उनको हम कहीं पर भी छुपा कर रख सकते हैं और कहीं पर भी भेज सकते हैं। सोचिए, अगर उनको पहले से ही पता चल जाएगा कि इस दिशा में इतना एयरक्राफ्ट आ रहा है, तो वो लोग उसी हिसाब से उनका पोजीशन चेंज करके एनिमी की पोजीशन में आ जाएंगे और देखते ही उनका रेंज में आते ही मिसाइल फायर कर सकते हैं। इससे जो हिटिंग का जो मिसाइल हिटिंग का जो प्रोबेबिलिटी है बहुत बढ़ जाएगा। सोचिए, ये एक बहुत रिवोल्यूशनाइज आइडिया है जो मैनपैड सिस्टम को आगे का जो उसका भविष्य है उसको बदल कर रख देगा। तो इसीलिए मैं पहले ही बता रहा था कि ये जो हथियार के बारे में बता रहा हूँ वो बदलती भारत की तस्वीर को दिखाएगा। जो हमारा DRDO है, उनका जो साइंटिस्ट है, जो हमारा साइंटिस्ट है, ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे नेक्स्ट लेवल का थिंकिंग कर रहे हैं हमारे इंडिया के डिफेंस को मजबूत करने के लिए, इसी से ही पता चलता है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, प्लीज़ कॉमेंट में शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है आपको ऐसे नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में, इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में आपको बताएं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।